students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher from Raj International School. Students, in this class we are going to start our new chapter number 9, measurement. Okay, measurement के बारे में अगर हम बात करें तो अपनी day to day life में हम लोग measurement बहुत use करते हैं. चाहे हमारा अगर हमारे height का measure करना की बात करें, हमारे weight की measure की बात करें, इनकेस हम सपोज कोई चीज मार्केट से वेजिटेबल्स परचेज करते हैं तो केजी में कुछ लेकर आते हैं, हाफ केजी लेकर आते हैं, तो सब हम ये चीजें मेजरमेंट हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. तो इसी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं हम इस चैप्टर में आज स्टडी करेंगे. ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 9 है जो बेसिकली बेस्ड है उसमें ये टॉपिक्स कवर होते हैं. कौन कौन से? मैट्रिक मेजर्स. मैट्रिक मेजर्स में आपकी लेंथ आती है, आपका वेट एंड कैपेसिटी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. कन्वर्जन ऑफ यूनिट का मीन है कि जो भी आपकी यूनिट्स हैं, चाहे वो लेंथ की है, चाहे वो वेट की है या कैपेसिटी की, यूनिट्स को कन्वर्ट करना मीन्स बिगर टू स्मॉलर एंड स्मॉलर टू बिगर. वो कन्वर्जन हम कैसे करते हैं ये चीज सीखेंगे. ऑपरेशन ऑन मैट्रिक मेजर्स. ऑपरेशंस का यहाँ मीन है कि हम मैट्रिक मेजर्स पे ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे. इट मींस उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरीके के जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो अप्लाई कैसे होते हैं वो चीज क्लियर करेंगे हम लोग. एवरेज. एवरेज क्या होती है? सपोज हमारे पास टू या मोर देन टू या थ्री नंबर्स हैं, उनकी अगर हमें एवरेज फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे फाइंड आउट करनी है वो इस एक्सरसाइज वाइज सॉल्व करेंगे. टेम्परेचर के बारे में स्टडी करेंगे कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर की यूनिट्स क्या होती है, उसको कैसे मेजर किया जाता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले एक स्टूडेंट्स यहाँ एक टेबल है, इस टेबल को हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. देखो टेबल में हमने लिखा है किलो, हेक्टो, डेका और SU. SU मीन्स ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है. ठीक है, फिर डेसी, सेंटी और मिली. और इसके बाद एक चीज और नोटिस है, मैंने उनकी प्लेसेस वैल्यू लिखी हुई है. SU यहाँ पे कोई प्लेस वैल्यू नहीं है लिखी मीन स्टैंडर्ड यूनिट में, तो यहाँ पे ये वंस के लिए आएगा जब हम उसे नंबरिंग में लिखेंगे. डेका टेंथ प्लेस, 100 प्लेस हो गया हमारा हेक्टो, और 1000 प्लेस पे हो गया हमारा किलो. वंस प्लेस पे हमारा यहाँ पे होगा मीटर. सेम हम लोगों ने डेसिमल चैप्टर कर रखा था तो उसमें देखा 1/10 हमारी 10th प्लेस हो जाएगी, 1/100 हमारी 100th प्लेस हो जाएगी, और 1/1000 हमारी 1000th प्लेस हो जाएगी. क्लियर? तो देखो हमारी तीन यूनिट्स होती है मैट्रिक मेजर्स की, लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी. अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो स्टैंडर्ड यूनिट वो है जो हम कॉमनली यूज करते हैं, जो एक स्टैंडर्ड मेजर करके चल रहे हैं उन्हीं के बेस पे ये जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं उनसे रिलेटेड है. जैसे मीटर, ये है लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट, वेट की हम ग्राम लेके चलते हैं, और कैपेसिटी के हम लीटर लेके चलते हैं. तो इन तीन यूनिट से ही हम लोग क्या करते हैं, बाकी यूनिट्स का मेजरमेंट फाइंड आउट करते हैं. अब देखो डेका है ना, तो हम इसको DAM. ठीक है, तो हमारी अगर सबसे यूनिट बात करें, सबसे बड़ी यूनिट की बात करें, तो इसमें लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट किलोमीटर होगी. ठीक है, नेक्स्ट 100 प्लेस पे है तो हेक्टोमीटर, नेक्स्ट डेकामीटर, और उससे छोटी मीटर. तो ये जो हमारा इस तरीके से हम जा रहे हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हम बिगर टू स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये देखो प्लेसेस हमेशा ये डेसिमल की प्लेसेस होती है और ये स्मॉलर होती है. तो देखो डेसीमीटर स्मॉल, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर. तो मिलीमीटर हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई लेंथ की. एक चीज देखो, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, इन सब के लिए यही यूज हो रही है. लेंथ में भी यही वर्ड यूज करेंगे हम, वेट में भी यही वर्ड यूज करेंगे, कैपेसिटी में भी यही वर्ड यूज करेंगे. लेकिन उसके बाद देखो जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर है, तो लेंथ में किलो के साथ मीटर कनेक्ट किया. यहाँ हमारी ग्राम है तो वेट में किलो के साथ ग्राम ऐड किया. कैपेसिटी है तो यहाँ किलो के साथ हमने लीटर को ऐड किया. तो मेन जो चीज है हमारी ये स्टैंडर्ड यूनिट इन सब के साथ अटैच करेंगे हम. तो वेट के लिए देखो किलोग्राम सबसे बड़ा, और स्मॉलर सबसे कौन सी होगी? मिलीग्राम. फिर किलोग्राम से स्मॉल हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, और
फिर ग्राम हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट है, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। नेक्स्ट कैपेसिटी की बात करें तो किलोलीटर ग्रेटेस्ट बिगेस्ट है और स्मॉलेस्ट है हमारी मिलीलीटर। तो अब ये स्टेप बाय स्टेप किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर विच इज अवर स्टैंडर्ड यूनिट, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। तो इस तरीके से ये सारी यूनिट्स का मैंने आपको एक ही टेबल फॉर्म में समझा रखी है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि लेंथ के लिए हमें मीटर स्टैंडर्ड यूनिट से कनेक्ट करना है, वेट के लिए हमें ग्राम यूनिट लेकर चलना है, स्टैंडर्ड यूनिट कैपेसिटी के लिए हमें लीटर स्टैंडर्ड यूनिट लेकर चलना है। तो इस तरीके से हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस टेबल को, अगर हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो। जब हम करेंगे वो है यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की यहाँ टू यूनिट्स होती है, सेल्सियस और फॉरेनहाइट। तो ये जो है एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे कि जो हमने यूनिट किस तरीके से कन्वर्ट करनी है और उसका मेजरमेंट करना है, तो सारा हम टेम्परेचर के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स एक चीज है, देखो मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट्स जो हमारी डे टू डे लाइफ में मोस्टली यूज करते हैं, लेंथ में हम किलोमीटर्स के लिए यूज करते हैं। जैसे सपोज हमें किसी टू सिटीज के बीच में डिस्टेंस देखनी हो तो हम किलोमीटर्स में लेंगे, क्लोथ का होगा तो मीटर्स में भी ले सकते हैं, कोई स्मॉल थिंग है तो हम सेंटीमीटर्स में लेंगे, और बहुत ही ज्यादा कोई स्मॉल है तो हम उसका मिलीमीटर में यूज करते हैं। तो ये कॉमनली यूज्ड होती है हमारी डे टू डे लाइफ में। वेट, वेट में हम किलोग्राम, कोई भी वेजिटेबल फ्रूट्स कुछ भी लेकर आते हैं हम, जैसे सपोज शुगर लेकर आए तो किलोग्राम। ग्राम के लिए अगर हम लोग कहें तो ग्राम के लिए हम कुछ भी, अगर सपोज मैंने बहुत कम चीज ली है तो हम उसके लिए ग्राम। मिलीग्राम के लिए जब करते हैं ना तो बहुत स्मॉलर, यानी बहुत जिसका वेट कम होता है उसके लिए हम मिलीग्राम का यूज करते हैं। कैपेसिटी, लीटर हम लोग यूज करते हैं, जैसे दूध लेकर आना है तो वो लीटर्स में काउंट होगा, मोस्टली हम यही यूज करते हैं। मिलीलीटर आपके जो भी मेडिसिन होती है वो मिलीलीटर्स में हम मेजरमेंट करते हैं उसका। तो आई होप ये जो हमने कॉमनली यूज करते हैं यूनिट्स, इनके बारे में आपने अपनी डे टू डे लाइफ में अच्छे से सुन भी रखा होगा। सो स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ओवरऑल मेजरमेंट, अबाउट मेजरमेंट। आई होप यू गॉट ऑल द कंसेप्ट। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू एक्सरसाइज 9.1। थैंक यू।